क्यों आज भी हर कदम पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है और क्यों आज भी आए दिन देश के किसी ना किसी कोने से हमारी बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचारों की खबरें आती रहती है। तो करोड़ों दलितों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम करें। ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है और अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए तो आपको शासक बनना पड़ेगा। विरोधी पार्टियों बहन जी से डरती की विरोधी पार्टियां डरती हैं बहन जी की सोच से, बहन जी की ताकत से, बहन जी के शासन करने के तरीके से विरोधी पार्टियां डरती हैं, क्योंकि विरोधी पार्टियां जानती थी कि अगर बहन जी सत्ता में रही तो फिर वो भेदभाव की राजनीति जड़ से उखाड़ के खत्म कर देंगी। सैकड़ों वर्षों से जिस तरह से हमारे समाज को कुचला गया है, आज वो सिर्फ और सिर्फ उसका हक अदा करेंगे। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और माननीय साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त करता। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान ने और माननीय साहब श्री काशीराम जी के आंदोलनों ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों ने हमें वो आज ताकत दी है कि आज हमारी आवाज दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर क्यों, मैं आज सवाल पूछना चाहूंगा, पर क्यों आज भी पुलिस थानों में हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती और क्यों आज भी हर कदम पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है और क्यों आज भी आए दिन देश के किसी ना किसी कोने से हमारी बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं और क्यों आज भी दलितों वह अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। ये सवाल कुछ ऐसे हैं जिनका हमें जवाब अपने आप से देना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये सब सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे। सबसे पहले पार्टी के संगठन को हर स्तर पर मजबूत करेंगे। हम बहुजन समाज के साथ साथ अपर कास्ट के समाज के लोगों को जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे और हर स्तर के संगठन पर बहन जी के निर्देश अनुसार चलकर 50% युवा वर्ग को संगठन में हम रखेंगे। संगठन में युवा वर्ग को जैसे ही जगह मिलती है, मेरा सभी युवा वर्गों से खास अनुरोध है कि युवा वर्ग से खास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर अपने महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर महापुरुषों के सपनों को पूरा कर देश के लाखों करोड़ों दलितों, पिछड़ों और अन्य उपेक्षित समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम करें। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई हमारे मान की है, ये लड़ाई हमारे सम्मान की है, ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है और अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए तो आपको शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि शासन से अधिकार मिलेगा और आपको अधिकारों से सम्मान मिलेगा।
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सपना देखा था और उसे मिशन में किसने बदला? वह आपके और हमारे माननीय साहब श्री काशीराम जी और हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासन काल में शासन प्रशासन व अनुशासन से उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब सत्ता की चाबी खुद अपने हाथों में होगी। मैं बहन जी का क्या, मैं क्या, हम सब बहन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। आज मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान साथी अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें यकीन था, हमारे युवा वर्गों को यकीन था कि हमसे पहले हमारी बहन जी किसी भी अन्याय के खिलाफ हमसे पहले वो खुद खड़ी है। विरोधी पार्टियां बहन जी से डरती हैं, क्या आप ये बात मानते हैं? मैं वहां पीछे खड़े होके बहन जी के ये चीज देख सकता हूं कि विरोधी पार्टियां डरती हैं बहन जी की सोच से, बहन जी की ताकत से, बहन जी के शासन करने के तरीके से विरोधी पार्टियां डरती हैं, क्योंकि बहन जी नई टेक्नोलॉजी की बात करती हैं। बहन जी हमारी बहनों की शिक्षा और सुरक्षा की बात करती हैं। बहन जी नौजवानों के रोजगार की बात करती हैं। हमारे सब समाज के विकास और सम्मान की बात करती हैं। और इसलिए साथियों, इसीलिए बहन जी को सत्ता से दूर कर दिया गया। ये साजिश थी, क्योंकि विरोधी पार्टियां जानती थी कि अगर बहन जी सत्ता में रही तो फिर वो भेदभाव की राजनीति जड़ से उखाड़ के खत्म कर देंगी। बहन जी ने हम सबको कई बार समझाया है कि हमारे समाज को बहुरूपियों से सचेत रहना बहुत जरूरी। कई पार्टियां खुद को दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज का भला करने वाली बताती हैं, और इसलिए हमें उनको पहचानना और उनसे सावधान रहना बहुत जरूरी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों और माननीय साहब श्री काशीराम जी के मिशन की एकमात्र उत्तराधिकारी और सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही हैं। साथियों, 26 नवंबर को लखनऊ में अभी संविधान दिवस के मौके पर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बड़ी गंभीर चिंता जताते हुए उन्होंने ये हम सबको बताया कि आज भी हमारे समाज को संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है। एससी एसटी वर्गों के लिए बनाए हुए कोटा की सरकारी नौकरियों को जानबूझकर नहीं भरा जा रहा है, और निजी क्षेत्र में आरक्षण को तो आज की केंद्र और तमाम राज्य सरकारें, जिसमें आपका उत्तराखंड भी है, वो पूरी तरीके से भूल चुकी है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर वो हम पर कोई एहसान नहीं करेंगे, बल्कि सैकड़ों वर्षों से जिस तरह से हमारे समाज को कुचला गया है, आज वो सिर्फ और सिर्फ उसका हक अदा करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आजादी मिलने के बाद सरकारी नौकरियों में हमारी भागीदारी सिर्फ 5% थी। आरक्षण के बावजूद भी आज देश की 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5% प्रोफेसर हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो हमें आरक्षण का अभी पूरी तरीके से फायदा नहीं मिल पा रहा है।
आरक्षण का हक हमारे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपनी राजनीतिक पार्टी यानी कि आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करना होगा। साथियों, आपको हर वर्ग के लोगों को ये याद दिलाना है कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही वो एक सामाजिक पार्टी है जो हर समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। सत्ता में आने के बाद भी हम ना किसी का हक मारते हैं और ना ही किसी को किसी का हक मारने देते हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अपने कार्यकाल के दौरान देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने पुलिस बल में एक साथ 2 लाख से ज्यादा अधिक भर्तियां की। इसके अलावा 90,000 शिक्षकों को नौकरियां दी और इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया, बल्कि हर वर्ग के लोगों को बराबरी का मौका दिया गया। अपने शासनकाल में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों की भी तरक्की के लिए हर संभव प्रयास किया, जैसा कि गन्ना समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की, मिल्क प्रोडक्शन में यूपी को देश में नंबर 1 पे लेके आई, किसानों के पिछले शासनकाल के बनाए गन्ने मूल सहित 42,700 बोले तो 42,700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया। इससे यूपी के किसानों की आय उस दौरान दुगनी हो गई। इसके साथ साथ कृषि भूमि आवंटन योजना के तहत कई लाखों गरीबों व भूमिहीन परिवारों को भूमालिक बनाया गया। आदरणीय बहन जी ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। आदरणीय बहन जी का शासन हमेशा से बहुजन समाज पार्टी की सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय नीति के हिसाब से ही चला। कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। सर्जन हिताय की नीति के तहत ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 2012 तक के अपने कार्यकाल में सम्मान श्रेणी के सरकारी भर्ती पर लगी रोकों को भी हटाया। यही नहीं, उनमें सब समाज में से खासकर अपर कास्ट युवाओं व डॉक्टरों इंजीनियरों आदि को सरकारी नौकरियां भी दी। साथ ही विभिन्न विभागों में पहले से जो खाली पड़ी सरकारी पद थे उनको भी विशेष अभियान चलाकर भरा गया और लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। सर समाज के तमाम क्षेत्र छात्रों को प्रशासन व डॉक्टरी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट आदि के उच्च प्रोफेशन में पूरी भागीदारी तय करने के लिए खास तौर से लखनऊ में छत्रपति शाहू जी महाराज प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई। इसलिए जिस तरह से 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली बीएसपी की सरकार में हमने बहन जी का शासन प्रशासन व अनुशासन देखा है, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिला, हमारे महिलाओं को सुरक्षा और बुजुर्गों को सम्मान मिला, वैसा ही शासन हमें यहाँ आपके उत्तराखंड में भी लाना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।